मित्रों, आज हम एक शक्तिशाली न्यूडाइनियम चुंबक और कुछ सिक्कों से एक मैग्नेटिक कॉइन स्पेयर बनाएंगे। इसके लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए? दो बोतलें चाहिए जो पानी से भरी हों, कुछ डिस्क मैग्नेट चाहिए न्यूडाइनियम के। सबसे पहले मैं एक स्टील का स्केल लेता हूँ और उसके बीचों बीच एक चक्ती चुंबक जो न्यूडाइनियम का है उसको चिपका देता हूँ। ये चुंबक स्टील के स्केल पर आराम से चिपक जाएगा। उसके बाद मैं स्केल के दोनों सिरों के ऊपर एक डबल साइडेड टेप चिपका देता हूँ। इसमें गोंद लगा होता है। उसके बाद में मैं स्केल को लेकर के दो पानी से भरी बोतलें हैं उनके ऊपर स्टिकी टेप चिपका देता हूँ उनके ढक्कनों से। इस प्रकार से आपका एक बिल्कुल जुगाड़ू स्टैंड बन जाएगा। उसके बाद में मैं सिक्के लेता हूँ। आम सिक्कों के अंदर निकल होता है और वो चुंबक पे चिपक जाते हैं। मैं सबसे पहले दो चुंबक चिपकाता हूँ, फिर एक तीसरा चुंबक और अंत में एक चौथा चुंबक। देखिए, चार चुंबक ऊपर के शक्तिशाली चुंबक की वजह से लटके हुए हैं। उसके बाद में मैं एक मुड़ने वाली स्ट्रॉ लेता हूँ, फ्लेक्सिबल स्ट्रॉ, और इस स्ट्रॉ से मैं सबसे नीचे वाला जो सिक्का है उसके सिरे पर फूंकूंगा और जब हवा सिक्के से टकराएगी तो ये सिक्का गोल गोल फर फर घूमेगा, बेहद तेज गति से घूमेगा। क्योंकि सिक्के को बीच का घर्षण बहुत कम होता है, इसलिए घूमने वाले सिक्के की गति भी बहुत तेज होती है। इसको आप दोबारा देख सकते हैं और कुछ देर बाद हम इसको एक क्लोजअप में देखेंगे। अब ये चुंबक क्यों लटके हैं? सबसे ऊपर वाले चुंबक से सिक्कों में चुंबकत्व जाता है। पहला सिक्का लटका है चुंबक के साथ में, दूसरा पहले से, तीसरा दूसरे से और चौथा तीसरे से लटका है। और एक बार जब मैं दोबारा फूंक मारता हूँ तो देखिए नीचे वाला सिक्का कितनी तेजी से फरफर घूमता है। इसके तेज घूमने का एक कारण यह भी है कि घर्षण बहुत कम है। अब हम इस प्रयोग में थोड़ा सा बदलाव करके इसको देखेंगे। सबसे पहले मैं कांच का ग्लास लूंगा ऊंचा और उसके पेंदे में एक स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली न्यूडाइनियम का चुंबक चिपका दूंगा। ग्लास को मैं ऊपर वाले चुंबक के बिल्कुल सीध में नीचे रखूंगा। उसके बाद में जो ग्लास वाला चुंबक है उसके ऊपर मैं चार सिक्के एक के ऊपर एक करके खड़े कर दूंगा। देखिए, नीचे वाला सिक्का निचले चुंबक के ओर आकर्षित है और ऊपर वाला सिक्का ऊपर वाला जो चुंबक है स्केल से लगा है उसकी ओर आकर्षित होगा। इसलिए ये चारों सिक्के एक के ऊपर एक करके खड़े रहेंगे। अब एक बार दोबारा मैं वो लचीली जो फ्लेक्सिबल स्ट्रॉ है उससे सबसे ऊपर वाले सिक्के के सिरे में तेजी से फूंकूंगा और ये सिक्का भी फर फर करके बहुत तेजी से घूमेगा। इसकी तेज गति के घूमने का कारण एक ये है कि देखिए सबसे ऊपर वाले और उसके निचले सिक्के के बीच में घर्षण बहुत ही कम है, इसलिए सिक्का बहुत तेज घूमता है।